अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आपने लास्ट के व्लॉग में मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारी सपोर्ट की है। इसी तरह अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप सब व्यूवर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बायो में मेरा टिकटॉक अकाउंट का लिंक है, उसको भी ओपन करें और उसको भी देखें। मैं वहाँ पे भी छोटे छोटे व्लॉग शेयर करता हूँ, आप उनको भी वॉच करें, उस चैनल को भी, उस मेरे टिकटॉक अकाउंट को भी सपोर्ट करें। और वहाँ पे छोटे छोटे व्लॉग्स हैं वो मैं डे बाय डे उस पर शेयर करता हूँ। आज की वीडियो में आपको चिकसवारी बाज़ार का जो है व्यू करवाएंगे। चिकसवारी बाज़ार में जितनी भी रबी अव्वल के रिलेटेड, इस बाबरकत महीने के रिलेटेड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी और उस उन्हीं की खुशी, उस सब खुशियों में जो भी डेकोरेशन की गई है, जो भी बाज़ार में जिसने जो कुछ भी किया वो आपको सारा दिखाएंगे। तो चले आइए, आप बाज़ार की तरफ चलते हैं, आपको चेक करवाते हैं। जी व्यूवर्स, ये हम पहुंच चुके हैं हस्पताल गली चकसवारी बाज़ार में। ये अब लाइटिंग यहाँ से आपको दिखाना स्टार्ट करेंगे कि किस तरह की डेकोरेशन की गई है। वैसे हर दफ़ा अस्पताल गली फर्स्ट नंबर पर आती है, कम्पटिशन होता है अस्पताल गली और पनियाम गली का। अब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कि कितना ज़बरदस्त डेकोरेशन का इन्होंने काम किया है और कितनी प्यारी और बेहतरीन डेकोरेशन हुई हुई है माशाल्लाह से। अभी ये जामिया मस्जिद है बाज़ार की, इसका भी आपको दिखाते हैं माशाल्लाह। वो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इन्होंने डेकोरेशन की है इसकी भी माशाल्लाह। मस्जिद में भी बहुत प्यारी लाइटिंग हुई है, ये आप देख सकते हैं। और सामने इन्होंने मीनार पे माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने इसको डेकोरेट किया और बड़ा अच्छा इन्होंने इसका वो बनाया है डेकोरेशन का सीन। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं बाजार में काफ़ी रश है। ये आ चुकी है जी पनियाम गली। पनियाम गली में हम एंटर हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि पनियाम गली में इस दफ़ा कोई इतनी ख़ास लाइटिंग नहीं की गई, लेकिन जो हुई है वो आपको दिखा रहे हैं। ये देख लें सब माशाल्लाह, ये जो इन्होंने डेकोरेशन किया है गोल्ड कलर में की है सारी और सिंपल सी माशाल्लाह बेहतरीन हुई है। ये पनियाम गली की लाइटिंग एंड हो चुका है, अस्पताल गली भी आपने देखी है, ये रही थी हमारी पनियाम गली। अब आगे आपको बाजार की तरफ। व्यूअर्स, पनियाम गली में से हम निकल के आ चुके हैं, पनियाम गली से निकल के आ चुके हैं। ये अब आगे बाजार की तरफ जा रहे हैं। ये जनाब मेन रोड है चकसवारी बाजार का, आप देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ पर भी लाइटिंग काफ़ी तादाद में की गई है, हर शॉप के पास लाइटिंग हुई है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। जितनी तारीफ़ की जगह में माशाल्लाह डेकोरेशन उन्होंने अच्छी की है, डेकोरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की डेकोरेशन की गई है। अब ये हम चकसवारी बाज़ार के अंदर जा रहे हैं जनाब। ये यहाँ से ससुराल गली स्टार्ट हो रही है, ये बाज़ार के अंदर ये ससुराल गली है, इसका आपको पूरा व्यू करवाएंगे। ये चकसवारी बाज़ार की ससुराल गली है, ससुराल गली। ये यहाँ पे इस गली में ज़्यादा टेलर्स ही होते हैं। ये है जी हमारे चकसवारी बाज़ार की ससुराल गली, माशाल्लाह इन्होंने भी डेकोरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सामने नाते लगाई हुई है, बड़ा एक खूबसूरत सा माहौल बना हुआ है माशाल्लाह। इस बाबरकत महीने की रौनकें आपको दिखाई जा रही हैं माशाल्लाह की, सब ने बहुत अच्छी रौनक बनाई हुई है। अब आपको चकसवारी बाज़ार के अंदर लेके चलते हैं। बाज़ार से हम निकल के आ चुके हैं, अब आगे ऊपर की तरफ जा रहे हैं मेन रोड पे। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ माशाल्लाह कितनी अच्छी डेकोरेशन की गई है माशाल्लाह। अल्लाह ताला उन सबको जजाए खैर अता करे जिन्होंने इसमें बाबरकत महीने में इतनी रौनक मिलाई
और जिसकी जितनी तौफीक थी उन्होंने इसमें जनाब हिस्सा डाला, अल्लाह ताला उन सब को इसका जजाए खैर अदा करे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये छोटा सा स्टेज बनाया हुआ है, ये आप इस तरह भी देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी रौनक लगी है। और मेरे बैक साइड भी आपको ना तो की आवाज़ आ रही होगी, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह इतनी तारीफ की जाए उतनी थोड़ी है। ये आप देख ले माशाल्लाह कितनी अच्छी इन्होंने मेहनत की है। आपको अभी बहुत अच्छे मूवमेंट दिखाए हैं गाड़ियों पे, उन्होंने वो सजाए हुए थे गुंबद हिजरा खाना काबा का बनाया हुआ था। ये जी है हमारे चकसवारी का फेमस रुपयाल होटल एंड रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड सेंटर, ये आप देख सकते हैं। ये रुपयाल वाली लाइन है और ये इस एरिए में जनाब यहाँ पे लाइटिंग का एंड हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि ये रैली जा रही है, अभी रात का वक्त है, मदरसे के बच्चे माशाल्लाह नारे लगाते हुए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अदा करे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि 10 के बच्चे उस जोश अंदाज में नारे लगाते हुए जा रहे हैं। ये जी आप सामने देख सकते हैं, अभी उसके करीबी आपको लेके चलेंगे, वो सामने आपको जो नजर आ रहे हैं ये है हमारा जनाब मशहूर दमयाल प्लाजा। माशाल्लाह बहुत अच्छी डेकोरेशन की गई है इस पर भी, आपको नज़र आ रही होगी, बाकी आपको करीब लेके चलते हैं आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि बाज़ार में इस टाइम रश कितना है। उर्दू में बात करें ये कुछ फैंस हैं हमारे जो हमें उर्दू बोलने का कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उर्दू ही बोलते हैं। ये मेरे सब्सक्राइबर में से कुछ थे जो माशाल्लाह अभी मुझे बाज़ार मिले हैं, वो बहुत खुश हुए हैं। ये अब आपको दमयाल प्लाजा दिखा रहे हैं, देख लेंगे माशाल्लाह दमयाल प्लाजे को कितना अच्छा से सजाया गया और कितनी अच्छी इसकी माशाल्लाह मॉडिफिकेशन की गई है, ये आप देख सकते हैं। बाकी ये प्लाजों पर भी लाइटिंग हुई है माशाल्लाह, दमयाल प्लाजे की एक अलग ही बात है, एक अपने ही लुक है माशाल्लाह। बाकी आपने बाज़ार में रश देखा है कि बाज़ार में रश काफ़ी था। ये इस तरह भी जनाब माशाल्लाह से स्टेज बनाया गया है, ये आपको जूम करके दिखाते हैं, ये आप देख लेंगे माशाल्लाह स्टेज बहुत अच्छा ही डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने। ये है जी बाज़ार से अब वापस हम कॉलोनी की तरफ जा रहे हैं, बाज़ार का आपको विज़िट कराया है, अभी हम हमीदाबाद कॉलोनी की तरफ जाएंगे। ये बाज़ार का तकरीबन आप देख सकते हैं कि अब एंड ही हो चुका है, अब वो लास्ट बिल्डिंग है जो आपको नज़र आ रही है जहाँ पे वो लाइटिंग हुई है वाइट एंड ब्लू कलर की। अब यहाँ पे हम वीडियो स्टॉप करते हैं, अब आगे आपको हमीदाबाद कॉलोनी का विज़िट करवाते हैं और वहाँ की डेकोरेशन माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, वो आपको चेक करवाते हैं। पर ये हम हमीदाबाद कॉलोनी पहुँच चुके हैं, ये हमीदाबाद कॉलोनी के यहाँ पर आप डेकोरेशन देख सकते हैं कि दोनों तरफ माशाल्लाह हर शॉप के बाहर डेकोरेशन हुई है। और सबसे मज़े की बात ये आपको दिखाते हैं कि माशाल्लाह ये है गर्ल्स कॉलेज, सॉरी गवर्नमेंट हाई स्कूल गर्ल्स एंड बॉयज़, इसकी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त किस्म की लाइटिंग की गई है और इतना बेहतरीन डेकोरेशन किया गया है इसकी, ये आपको दिखाते हैं। ये अब फुली इसका चेक करें व्यू, उसके बाद ये आगे जनाब माशाल्लाह हर तरफ रौनक ही रौनक लगी है।
बंदों ने नाते लगाई हुई है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान कि इतना बरकत महीना और हर तरफ माशाल्लाह रौनक लगी हुई है। जी व्यूवर्स, ये था आज का हमारा व्लॉग। जैसे कि आपको चकसवारी बाज़ार का विज़िट करवाया है, हमीदाबाद कॉलोनी का विज़िट करवाया है, आपने देखा होगा कि माशाल्लाह इस बाबरकत महीने की रौनकें हमारे सरकार दो आलम सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, और माशाल्लाह कितनी अच्छी रौनकें लगी हुई हैं, कितनी बहारें हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात खुसूसी फजल व करम फरमाए सब पे इस बाबरकत महीने के सदक़े से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन से आप आगाह रहें। और काइंडली मेरा टिकटॉक चैनल भी आपको मेरे यूट्यूब के बायो में मिल जाएगा, आप काइंडली उसको भी विज़िट करें, वहाँ पर भी मैं डेली का जो है मिनी व्लॉग्स उस पर शेयर करता हूँ। तो काइंडली उसको भी ओपन करके उसको भी विज़िट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको इस बाबरकत महीने के सदक़े से और प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से वसीला से खुसूसी फजल व करम फरमाए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला सब की नेक दिली ख्वाहिशों को पूरा करें। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बने रहिए हमारे साथ। अब तक दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी इमानिल्लाह।